देखो 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 आए नोएडा के छोरे जो होते थे चौड़े लगा दिए। राम राम दोस्तों, मैं आपका दलवी नंबरदार नोएडा से। आज जब देश का युवा गहन सोच में डूबा हुआ है, उसे कहाँ करनी चाहिए कहाँ ना करनी चाहिए, ना मैं रोजगार और फ्यूचर की बात ना कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस शो की, कि भैया उसे देखना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए। इस समस्या का समाधान हमेशा की तरह नंबरदार खानदान की तरफ से आ चुका है। हम अपना खुद का मेड इन नोएडा देसी बाबा बॉस शो लॉन्च करने जा रहे हैं। अब बाबा बॉस शो में कहा रहेगी, ऐसा ना कि छोटा मोटा इसके स्केल रहेगा बिग बॉस शो की तरह, सब कुछ इससे लाख गुना ऊपर का होगा। इनके जैसे चार कमरे में सूट ना होगा। यू शो बनेगा हमारे नोएडा वाले फार्म पे, जो कि LP यूनिवर्सिटी है, जो यूँ बोले कि हमारा कैंपस ज़्यादा बड़ा है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और यूँ लगा लो फैसिलिटी एकदम ऐसी बढ़िया चौकस रखवा दी गई है, किसी को कोई समस्या होगी ही ना। हम घर के हर कोने में एक एक हुक्का धरवा दिया हमने, जहाँ बैठो अपना हुक्का खींचो, अपना मौज लो, जो मर्जी करो, अपना म्यूजिक बजाओ, जो मर्जी करो। और इनके घर में कहा रहे भाई, साढ़े पूरे दिन गुत्ते रहे मैं आपस में टिंडे टमाटर के लिए, कि मैं टिंडा ना खाऊंगा, मैं टमाटर ना खाऊंगा, मुझे यू चाहिए, मुझे वो चाहिए, साढ़े आपस में पूरे दिन लड़ते रहे। हमने इस समस्या को दूर कर दिया है। वो सेफ ना है जो साढ़े ऐसे पेट में कोहनी पाड़ के ऐसे नमक गिरे, वह धरवा दिया हमने वहाँ में। साढ़े के दो चार गुद्दी पे मारो, पूरा दिन जो मर्जी बनवाना है उससे बनवाओ, कोई दिक्कत की बात ना होगी। और तो और इनके शो में जो मुझे सबसे बुरी बात लगे करे कि साढ़े आपस में पूरे दिन चीखम चिल्ली करते रहे हमें। इस समस्या का हमने पूरी तरह समाधान कर दिया। एक एक पिस्टल दे दी गई है, जो साढ़ा ज़्यादा फालतू बोले वह ठोक दो, बहसबाजी बिल्कुल करने की कोई जरूरत ही ना है। टास्क ऐसे रखवा दिए गए हैं कि भैया देखने वाले को भी चार काम की बातें समझ में आवे, करने वाला भी कुछ दो चार बातें काम की सीखे। जैसे 15 मिनट में बैंक में डकैती कैसे करी जाएगी, अपना बिना हथियार के किडनैपिंग कैसे होगी, बिना किडनैपिंग के कैसे फिरौती वसूली जाए, और तो और फर्जी डिग्री बनवा के बालक का एडमिशन कैसे करा जाए। और इसमें एलिमिनेशन ऐसे ना होंगे कि पब्लिक से वोट मांग रहे हैं। भैया पब्लिक पहले ही जिनको वोट दे रखा है उनसे परेशान चलिए, तुम्हें और वोट दे हैं, उन पर और कोई काम ना है, वोट देती रहेगी पब्लिक। तो हमने इसका समाधान कर दिया है कि हफ्ते के हफ्ते एक रखा जाएगा रागणी कॉम्पिटिशन, जिसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस शो में रहेगा, जो खराब परफॉर्म करेगा वाय निकाल देंगे हम घर से बाहर। और यूँ लगा लो जब से इस शो की अनाउंसमेंट हुई है ना, मीडिया में बात लीक हुई है, देश विदेश से फोन आने लगे हैं लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के। अब उसे बोल्ट ना है, उसे सुबह ही बाबा ने मना करी है। बाबा ने कही यार घर में ना लेना, यू बैठ चो पूरे दिन भक्कड़ हो जाएगा घर के अंदर। अपना यू ट्रंप फोन कर रहा है कि बाबा मोह ले लो, बाबा मोह ले लो। बाबा ने कि साढ़े अपना इलेक्शन पे ध्यान दे, यहाँ का तू दही लेने आएगा, हमें पता है यू यहाँ आ जाएगा इलेक्शन छोड़ के, फिर बाद में बाबा का पैर पड़ेगा, बाबा जिता दो, बाबा तुम पिछली बार की तरह मोह जिता दो। तो बाबा को चक्कर चाहिए ही ना इस देर का। और चार दिन से तो सलमान भाई के इतने फोन आ रहे हैं कि मोह शो में बुला लो बाबा, मोह शो में फोन आ लो। बाबा ने कहा ना भैया, हमारे घर में बतेरे जंगली जानवर है, हम तो ना बुला सकते। और ये लो यहाँ का जस्टिन बीरबल का फोन आया जा रहा है, यूँ कह रहा है बाबा के लिए कोई गाना बना दिया है, बा 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 ओ कोई ऐसा गाना बना दिया है, यूँ कह रहा है कि बाबा को गाना सुना दो, बाबा मुझे घर में ले लेंगे। बता ऐसे थोड़ी एंट्री हो रही है यार, ये बॉलीवुड थोड़ी है, सिफारिश चलेगी यहाँ। अरे बैठ चो घर कूट दूंगा वहीं पे। देखो 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 आए नोएडा के छोरे जो होते थे चौड़े लगा दिए, बातचीत तुझे बेटा लगती है मोहरे, जाग जाओ जो भी ते सारे अब सो रहे।